हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न उत्तर हमसे पूछे जा सकते हैं, और यही बात ध्यान में रखते हुए मैंने इस अध्याय में भारत के प्रमुख युद्धों की एक लिस्ट बनाई है, और इसमें बताने की कोशिश की है कि भारत के कौन कौन से प्रमुख युद्ध थे और वो कब कब हुए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत के प्रमुख युद्धों के बारे में। भारत पहला है, ईस्वी पूर्व में हुआ था 261 में कलिंग का युद्ध। यह युद्ध सम्राट अशोक तथा कलिंग राज के मध्य हुआ था। इस युद्ध की विभीषिका ने सम्राट अशोक को इतना द्रवित कर दिया था कि वे भगवान बुद्ध की शरण में चले गए थे। अगला है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुए इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया था। 1192 ईस्वी तराइन का दूसरा युद्ध। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुए इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी से पराजित हो गए थे। 1526 ईस्वी पानीपत का युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुए इस युद्ध में बाबर ने लोधी को पराजित किया, और इसी युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। चलिए अगले युद्ध के बारे में जानते हैं। यह था 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। यह युद्ध मेवाड़ के राणा सांगा तथा बाबर के बीच हुआ, और इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई। फिर हुआ 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध। यह युद्ध कन्नौज के निकट बिलग्राम में मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया। इसमें हुमायूं पराजित हो गए और भारत छोड़ने पर विवश हुए। साथ में शेरशाह सूरी उत्तरी भारत का फिर शासक भी बन गया। अगला युद्ध था 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध। यह युद्ध अकबर के सेनापति बैरम खान और मोहम्मद दिल शाह के हिंदू सेनापति हेमू के बीच लड़ा गया, और जिसमें हेमू पराजित हुआ। उसके बाद 1564-65 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध हुआ, और यह युद्ध हुआ था दक्षिण भारत के राज्य विजयनगर के राम राजा तथा हुसैन निजाम शाह के नेतृत्व में बाजीपुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकंडा राज्यों के मध्य हुआ था यह युद्ध, और इसमें राम राजा पराजित हुए, जिससे हिंदू विजयनगर राज्य नष्ट हो गया था। दोस्तों, युद्ध में होता क्या है? सिर्फ और सिर्फ बर्बादी, खून खराबा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। राणा प्रताप द्वारा अकबर के अधिपत्य को स्वीकार न करने के कारण राजा मानसिंह और आसफ खान द्वितीय के नेतृत्व में अकबर की सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, और उदयपुर के निकट हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। परास्त होकर राणा प्रताप को पहाड़ियों में छिपना पड़ा। उसके बाद का अगला युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना की सहायता से लड़ रहे नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था, और नवाब की पराजय से बंगाल में मुस्लिम शासन समाप्त हुआ, और भारत में क्या हुआ? अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। फिर 1760 ईस्वी में वांडवास का युद्ध हुआ। यह युद्ध दक्षिण भारत में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था। फ्रांस की पराजय से भारत में उनकी शक्ति सदैव के लिए समाप्त हो गई। उसके बाद 1762 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शासकों को पराजित किया। फिर अगला युद्ध देखते हैं, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त कमान में मुस्लिम सेना को पराजित किया था, और इससे क्या हुआ था? उत्तरी भारत में अंग्रेज सर्वशक्तिमान हो गए थे।
फिर 1767 और 69 ईस्वी में मैसूर का प्रथम युद्ध हुआ। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मैसूर के शासक हैदर अली और हैदराबाद के निजाम के बीच लड़ा गया। हैदर अली व निजाम इसमें हार गए थे और निजाम युद्ध से अलग हो गए। हैदर अली और फिर अंग्रेजों की संधि हो गई थी। अगला हुआ 1780 ईस्वी में मैसूर का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। फिर से हुआ 1790 में मैसूर का तीसरा युद्ध। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जिसकी समाप्ति संधि के द्वारा हुई। उसके बाद 1799 ईस्वी में मैसूर का चौथा युद्ध हुआ। यह युद्ध भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।